पावन है सबसे ऊंचा है साचा है ये दरबार, कलयुग में भी होते हैं जहां रोज चमत्कार। ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे। सुंदर से माँ के धाम की महिमा कमाल है, मंदिर ये देवी माँ का सबसे विशाल है। पर्वत त्रिकुट के शीर्ष पे माता का सिंहासन, जयकार माँ के बोल के चलती यहाँ पवन। अंबर के बादल देते हैं माता को सलामी, पहरा दे हनुमान भैरव करते निगरानी। दर्शन की सबके भाग में घड़ियां नहीं आती, दर्शन उन्हें मिलता जिन्हें माँ भेजती पाती। द्वारे पे माँ के लगती लंबी कतार है, दर्शन कब होगा सबको इंतजार है। जीवन है जिसका नाम वो है कच्चा सा धागा, जो माँ के द्वार जा न सके वो है अभागा। ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे। सूरज की पहली किरण होती है जो सिंदूरी, कहती है पता माँ को है मजबूरियाँ तेरी। क्या सोच रहा तू कि ये पैसा है जरूरी, पैसे ने बना रखी है माँ बेटे में दूरी। इस पाप की गठरी को परे रख के तू आजा, आजा तू खुला है भवानी माँ का दरवाजा। मील 18 ये जम्मू से दूर है, दर्शन जो माँ का पहला जग में मशहूर है। कन्याओं के संग माता यहाँ खूब थी खेली, इस स्थान को कहते हैं भक्तों पौल कंदोली। ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे। यहाँ से 4 मील जब आगे जाओगे, दर्शन जो माँ का दूजा है उसको पाओगे। दुर्गा की एक भक्त जिसका नाम था देवा, करती थी सच्चे मन से सदा मैया की पूजा। दर्शन उसे देने को एक दिन आई थी माई, तब से ये जगह बन गई भक्तों देवा माई। रास्ता बताऊं सबको तेरा वैष्णो रानी, हो जाए कोई भूल क्षमा करना भवानी। माता की जय जयकार होती कटरा धाम पे, होती यहाँ सुबह है जय माता के नाम से। ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे। गिनता नहीं जो राह में कितनी लगी ठोकर, जाता है माँ के द्वार से वो झोलियाँ भर कर। तुम यात्रा से पूर्व यहाँ पर्ची कटाना, जयकारा माँ का बोल के फिर यात्रा करना। पर्ची जो कटाई है इसे ध्यान से रखना, ऊपर भी जांच होगी इसे को नहीं देना। बच्चे हैं छोटे वृद्ध या ना जा सके चल कर, उनके लिए मिलते हैं यहाँ भाड़ पे खच्चर।
खच्चर पे भी न बैठ सके जिसकी अवस्था, उनके लिए यहाँ है पालकी की व्यवस्था। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। कटरा से थोड़ी दूर है मशहूर ये मंदिर, कहते हैं सारे इसको यहाँ भूमि का मंदिर। माता के परम भक्त जिनका नाम था श्रीधर, करते थे माँ का ध्यान सुबह शाम जो अक्सर। रहता था उनके मुख में सदा मैया का वर्णन, कन्या का रूप धार दिए माता ने दर्शन। कहने लगी कर भक्त भंडारे का आयोजन, आस पास जाके दिया सबको निमंत्रण। देने निमंत्रण भोज का वे सबको चल पड़े, रस्ते में भैरव संग कुछ साधु उन्हें मिले। बोले श्रीधर है बाबा कल मेरे घर आना, भंडारा माँ का कर रहा हूँ भूल न जाना। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। अगले दिन प्रातः काल से श्रीधर जी के घर पर आकर इकट्ठा होने लगी भीड़ भवन पर। भैरवनाथ आए, गोरखनाथ जी आए, दोनों के संग उनके कई शिष्य भी आए। भोजन मिलेगा आज सभी जन थे प्रसन्न चित, किंतु बिना कन्या के हुए श्रीधर चिंतित। इतने में लिए हाथ कमंडल माँ पधारी, वो दिव्य कन्या लग रही थी सबको ही प्यारी। देने लगी कमंडल से सबको वो भोजन, ये देख के श्रीधर का प्रसन्न हो गया था मन। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। आई वो देने भोजन जब भैरों के पास, वो कहने लगा चाहिए मदिरा व मुझे मास। बोली वो कन्या योगी जी ब्राह्मण के द्वार से, जो कुछ भी आपको मिला स्वीकारो प्यार से। कन्या को पकड़ने लगा वो विनती न माना, कन्या भी तुरंत हो गई तब अंतर ध्याना। देखा उसे भैरव ने अपने विद्या योग से, वो पवन रूप धार चली त्रिकुट और है। इस दिव्य कन्या को चला तब भैरव पकड़ने, वो मूढ़ मती उसका पीछा लगा करने। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। ये भूमि का मंदिर वही तो स्थान है, भोजन खिलाया सबको कन्या रूपी मात ने। यहाँ से डेढ़ मील जब आगे जाओगे, तो रास्ते में दर्शनी दरवाजा पाओगे। माँ के भवन का मिलता यहाँ पहला नजारा, सब भक्त लगाते हैं यहाँ आके जयकारा। माता का भैरवनाथ ने जब पीछा किया था, उस वक्त माँ के साथ साथ वीर लंगूर था।
जिस जगह के प्यास ने लांगुर को सताया, माता ने पत्थरों में यहाँ तीर चलाया। ये अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ये अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। लगते ही बाण निकली जो जल की धारा, वो धारा यही है जिसे कहते बाण गंगा। माता ने इसमें केश धोके उनको संवारा, इस कारण इसका नाम दूजा है बाल गंगा। आगे जो चलोगे रोम रोम खिलेगा, बाण गंगा से जो पार करे पुल वो मिलेगा। पुल के करीब ही है एक माता का मंदिर, करते हैं कई भक्त यहाँ स्नान भी रुक कर। होता है यहाँ से ही शुरू सीढ़ी का रस्ता, इसकी बगल से जा रहा एक कच्चा भी रस्ता। माम बे नाम लेके पौड़ी पौड़ी चढ़ो जी, शर्माओ ना सब मिलके जय माता की कहो जी। ये अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ये अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। माता की धुन में खोके जो चलता चला गया, बिन मांगे माँ के द्वार से मिलता चला गया। होगा ये चमत्कार भी मैया के नाम से, जैसे चढ़ाए पौड़ी माँ बाहों को थाम के। आता है वो स्थान जहाँ माँ के श्री चरण, एक शिला पर बने हैं चूलो ये श्री चरण। माता ने पीछे मुड़ के इस स्थान से देखा, इस कारण इसको कहते हैं चरण पादुका। भैरो है कितनी दूर ये अंदाजा लगाया, फिर इसके बाद माँ ने कदम आगे बढ़ाया। ये अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ये अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। है आदि भवानी माँ वो शक्ति चमत्कारी, जिसने ये चरण छू लिए तकदीर सवारी। मस्तक झुका लो प्रेम से भक्तों चले आओ, जो कुछ भी चाहते हो माँ के द्वार से पाओ। आएगा भवन जिसकी बड़ी शान है न्यारी, इस स्थान को कहते हैं सभी याद कुमारी। गर्भ जून जिसका नाम है वो गुफा यही है, भवानी माँ इस गुफा में 9 माह रही है। जैसे ही भैरोनाथ गुफा द्वार पर आया, तब सामने उसने लांगुर वीर को पाया। ये अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ये अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। करने लगा लांगुर युद्ध भैरवनाथ से, पर्वत भी जिसको देख लगे भय से कांपने। लांगुर ने लाख रोका भैरव बास ना आया, तब माँ ने तंग आके त्रिशूल चलाया। जा करके शीश उसका गिरा दूर घाटी में, और धड़ उसका आन गिरा माँ के चरण में। तब भैरो ये कहने लगा के हे महामाया, हाथों से तेरे अंत हुआ जन्म का माया। होते कपूत पूत पर न माता कुमाता, कर दे मुझे क्षमा है जगदीश्वरी माता। ये अम्बे नाम चल रे, चल रे।
धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। तूने क्षमा किया न तो मैं पापी रहूंगा, और आते काल सबकी ही मैं निंदा कहूंगा। उसके वचन से माता का दिल ही पिघल गया, करुणा वाली के मुख से वचन ये निकल गया। करती हूँ क्षमा आज तेरे पाप में भारी, देती हूँ वचन तू बनेगा मोक्ष अधिकारी। आते समय जब लोग मेरी पूजा करेंगे, मेरी पूजा के बाद तेरी पूजा करेंगे। तूने मुझे माता कहा है जग भी कहेगा, बच्चों के जैसा सबसे मेरा नाता रहेगा। दर्शन के मेरे बाद जो ना तुझको पूजेगा, उसको मेरे दर्शन का कभी फल न मिलेगा। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। पर्वत है एक और दूजी और है खाई, चढ़ना जरा संभल हाथी मथे की चढ़ाई। परेशान ना होना तू देख पाँव के छाले, कष्टों से ही खुलते हैं नसीबों के भी ताले। चढ़ कर के हाथी मथे से जब पार आओगे, तुम भक्त खुद को फिर सांझी छत पे पाओगे। भक्तो है शुरू होती उतराई यहाँ से, जिह्वा करेगी माँ की जयकार यहाँ से। आता है इसके बाद वो द्वारा निगाह में, मिलो चले आए हैं सब जिसकी चाह में। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। कुछ खा लो पी लो थोड़ा सुस्ता लो कुछ घड़ी, दर्शन की आने वाली है पावन वो शुभ घड़ी। दर्शन से पहले कर लो स्नान यहाँ पर, रुक जाती जैसे सांस शीतल जल पड़े तन पर। स्नान जिनमें किया वे सब वस्त्र त्याग दे, कोरे जो वस्त्र पास में है तन पे धार ले। अब तक नहीं गए हैं वो ध्यान देश पर, मिलता है यहाँ दर्शन का आपको नंबर। भक्तों के लिए कमरे बने यहाँ आरक्षित, सामान जमा होता जहाँ सबका सुरक्षित। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। कुछ ऐसा नजारा है थकते नहीं नयन, लगता है स्वर्ग जैसा अम्बे तेरा भवन। मिलती है भवन पे सारी पूजा की सामग्री, लहरा रही है हर तरफ लाल ही चुनरी। मैया की चुनरी प्रेम से तुम सिर पे बांध लो, और नारियल बाहर ही अपना जमा करो। मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार है, बारी कब आएगी ये सबको इंतजार है। संकरा है भवन द्वार, बढ़ो आधा लेट कर, ये द्वार ही है भैरव का शीश कटा धड़। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे।
पिंडी दरस से पहले भी एक स्थान पर पंजे बने हैं शेर के एक शिला पर। आता है अब वो दृश्य मैं कैसे करूं वर्णन, होता है पिंडी रूप में महामाई का दर्शन। आदर से माथा टेकना तुम माँ के चरण पर, खुलने में नसीबा नहीं लगता है पल भर। पूजा सामग्री लाए हो वो सारी चढ़ा दो, जिस जिस का चढ़ावा है आदर से चढ़ा दो। बैठी है काली माता सरस्वती साथ में, जलती है माँ की ज्योत बिना तेल बाती के। माँ करती क्षमा छोटी बड़ी सारी भूल भी, एक और धरा देखोगे माँ का त्रिशूल भी। ले अंबे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ले अंबे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। अब माँ की आज्ञा को है हमने निभाना, दर्शन के लिए भैरव के मंदिर भी है जाना। मिलते हैं पुष्प मिलती धूप बाती है यहाँ, काला धागा भी मिलता है भैरव नाम का यहाँ। घाटी में दूर जाके बना भैरव का मंदिर, मंदिर में पड़ा है भैरव का खटा हुआ सिर। श्रद्धा से धूप बाती भैरव पे चढ़ाना, आदर से हाथ जोड़ के तुम सिर को झुकाना। माता के पुण्य धाम की ये यात्रा सारी, पूरी करे भवानी मैया कामना तेरी। ले अंबे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ले अंबे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ले अंबे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ले अंबे नाम चल रे, चल।